हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और रेडी हो गया हूँ मैं। आज है सैटरडे और मौसम ठीक है, धूप निकल गई है आज तो। अब गर्मी की उम्मीद है कि अब गर्मी हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से ठंड ठंड हो रही है। तो भगवान का थोड़ी गर्मी का भी मज़ा ले, गर्मी चल रही है, गर्मी का मज़ा तो लिया नहीं है, ठंड ठंड में मज़ा ले रहे हो। तो ठंड हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी सॉरी। और आज देखता हूँ, आज मेरे को निकलना, क्योंकि कल कुछ काम पेंडिंग रह गए थे जो मैं जा नहीं पाया था। तो आज निकलूँगा टाइम से, क्योंकि टाइम से निपटालूँगा थोड़े से काम तो सही रहेगा। बाद का काम फिर लेट हो जाता है, तो कोई ना कोई क्लाइंट्स अगर आ जाता है तो फिर टाइम नहीं रख पाता। तो अभी फ़िलहाल मैं चलूँगा ऑफिस, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुँचते हैं और देखते हैं आज क्या क्या काम है, किसी क्लाइंट को आना है नहीं आना है, वो सब पता लग जाएगा ऑफिस पहुँचने के बाद। और देखते हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर हम निकलेंगे टाइम से और काम निपटा के आएंगे। इवनिंग में मंदिर भी जाना है और आज तो और इवनिंग में कुछ वैसे काम नहीं है, देखूंगा कुछ काम आएगा तो निकल जाएंगे, क्या बात है। और कल संडे का कुछ अभी प्लान नहीं है, कल संडे का प्लान रात तक देखते पता लगेगा, तो आपको बताता हूँ। फिलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट करके ऑफिस। भाई अभी निकला था जैसे काम से और धूप हो रही है आज, मौसम गर्म हो चुका है, अब छाँव वाला मौसम चला गया। और इवनिंग में निकलने की सोच रहा था, लेकिन फिर वही है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कोई क्लाइंट वगैरह आ जाता तो डिले हो जाता निकलना। तो मैंने सोचा अभी निकल जाता हूँ, जो काम है वो तो करना ही है, उसके बाद इवनिंग में देखता हूँ कहीं और जाने का बनेगा तो कहीं और चले गए इवनिंग में। और अभी तक तो दिन से ही जा रहा है, ऑफिस में ही काम है मॉर्निंग से। और इसकी एवरेज का भी चेक कराना है, इसकी एवरेज का मैंने इशू बताया था, एवरेज कम दे रही है, बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या इशू हुआ इस बार, सर्विसिंग में क्या करा उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है बार बार। इसको चेक कराऊंगा, आज टाइम मिलेगा तो आज कराऊंगा, जब कल देखता हूँ। ये 10 सेकंड का मोनस मिलता ही, 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड 0 सेकंड ग्रीन होगा। चलो ये अलग ही रेड लाइट बनाइए यार, वैसे 1 सेकंड का होता है इसमें 33 सेकंड। और मैंने निकाल दिया, रुकना पड़ता धूप में, मन नहीं करता रुकने का, शाम हो तो रुक भी जाओ। और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे और मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती रहे। सजेशंस वगैरह भी मिले आपकी तरफ से, जो सजेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वैसी वीडियो भी बनेगी। अब आगे आ जाएगा DLF का एरिया, पूरा एरिया DLF का है। डस्ट बहुत उड़ रही है यहाँ पर। यहाँ पर अभी पीछे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, अभी भी उड़ रही है डस्ट तो, लेकिन पीछे कुछ ज़्यादा इसी तरह से मैंने वाइजर बंद कर लिया था, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, वाइजर बंद होने वाली आवाज़ आती है इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ। ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, लगती सोच रहा हूँ फ्लैट वैट बुक करा लूँ यहाँ पर भी, क्या कहते हो? इसलिए आऊँगा यहाँ का फ्लैट देखने, या फिर कल ही टाइम निकाल के कल फ्लैट देखने आता हूँ एक बार, देखते हैं फ्लैट कैसे हैं, अच्छे होंगे तो फिर सोचेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अच्छे बन रहे हैं सुनने में मेरा आया जो। फ्लैट अच्छे बन रहे होंगे तो सोचेंगे, कभी कल का बनाते हैं फिर। मेरे पीछे में से बात हुई थी किसी से, वो यहाँ पर ही फ्लैट वगैरह सेलर सेल करते हैं, मतलब जॉब वगैरह करते हैं, उनका कॉल आया था ये विज़िट कर लो एक बार, आप देख लो एक बार, वो भी कह रहे थे और मन भी थोड़ा बहुत है ही, तो एक बार विज़िट करेंगे देखेंगे कैसा है। DLF मिड टाउन के नाम से है तो वो देखते हैं, अच्छे होंगे तो सोचेंगे फिर लेने का भी। ये एक और बैंकेट बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, तो पूरा रोड बैंकेट के लिए हो गया, बैंकेटिंग शादी वगैरह के लिए, रोड इतना चौड़ा है
शादी के टाइम कंजेस्टेड हो जाता है बहुत ज़्यादा ही, तो दोनों साइड बैंकेट्स हैं, पार्किंग हो जाती है, रात होती है, बहुत चीज़ें हो जाती है, तो कंजेस्टेड हो जाता पूरा, पैदल बंदा ही मुश्किल से निकले ऐसा कंजेस्टेड हो जाता है। खड्डा आ गया बड़ा वाला, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो पूरे भाई साहब पूरी जगह लेकर चल रहे हैं, जो फालतू बोलेगा उसके मुँह पे झाड़ू पड़ेगी, कहीं तो कोई फालतू ना बोले झाड़ू मारेंगे, झाड़ू तो बहुत मारेंगे। गर्म हवा बहुत आ रही है भाई साहब, खोल के चला रहा हूँ, हवा बहुत आ रही है गर्म। अभी कुछ प्लान है नहीं, जो जिनका रिव्यू करना था उनसे मेरी बात हुई नहीं है, अभी उनसे बात करूंगा, अगर रिव्यू का प्लान बनता है तो कल चलेंगे रिव्यू के लिए, कल रिव्यू करते हैं, नहीं बनेगा तो फिर वही डेली रूटीन सेम रूटीन वही रहेगा। संडे है तो देखो कोई काम आ जाता है क्या है, कल पता चलेगा। फिलहाल मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ज़रा लंबा है थोड़ा रास्ता, तो मैं सोचा दूसरा रास्ता दिखाऊँ जहाँ से मैं जाऊँगा। हाइपर लेफ्ट एंजॉय करो आप थोड़ा सा, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पेड़ की छाँव आ रही है और धूप भी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है नई रोड का कोई डिज़ाइन सा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद आए शूट पे, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, और YouTube पे तो मेरे को लगता है शायद फर्स्ट या सेकेंड टाइम आया हूँ मैं यहाँ पर YouTube, जब से YouTube में यूट्यूबर की चालू करी मैं जर्नी, तब से फर्स्ट या सेकेंड टाइम आया हूँ। अब यहाँ पे पूरा जाम है, आगे जाम लग ही जाता है इस रूट पे, और यहीं जाम मिलता है, बाकी तो रास्ता खाली मिलता है पूरा, बड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा जाम हो जाता है कभी कभी। तो फिलहाल मैं पहले पहुँचता हूँ जहाँ मुझे जाना है, काम करते हैं, काम से फ्री होता हूँ फिर आपसे बातें करता हूँ, वापसी में बातें करेंगे, काम निपटाते हैं पहले। और एक और चीज़ मैं बताया तो चलो, काम तो निपटा ही लूँगा,
ये है फर्नीचर मार्केट, ये पूरी कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट है। यहाँ पे लग्जरी फर्नीचर, नॉर्मल फर्नीचर, हर टाइप का फर्नीचर मिल जाता है। इंटीरियर किसी को डिज़ाइन करवाना बढ़िया सब हो जाता है, हर टाइप का फर्नीचर यहाँ मिलता है। अभी थोड़ी सी मार्केट और दिखाता हूँ मैं आपको, इससे आइडिया और मिल जाएगा। ये देखो फर्नीचर ही फर्नीचर है, बहुत आउटलेट है, बहुत सारे आउटलेट हैं, हर टाइप का फर्नीचर मिल जाएगा, हर रेंज में मिल जाएगा। सारी फर्नीचर मार्केट है पूरे रोड पे। ये देखो इतने बढ़िया बढ़िया फर्नीचर है, हर टाइप के फर्नीचर मिल जाए, चेयर वगैरह, झूला, सोफा, एक एक चीज़ मिल जाएगी। ये देखो रेंज रोवर नहीं मिलेगी यहाँ पे, रेंज रोवर का किसी की है ही ऑलरेडी, नंबर भी उड़ीसा का है, बढ़िया लग रही है गाड़ी। तो यहाँ पे आपको सब टाइप के इंटीरियर मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए, हट वगैरह जो सब चीज़ कंप्लीट। तो अभी मैं पहुँचता हूँ, जहाँ मुझे जाना है काम निपटाते हैं, फर्नीचर मार्केट आना तो कीर्ति नगर आ जाना, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। फ्री आइए, यहाँ से मैं निकल गया हूँ, फर्नीचर मार्केट है ये देखो आप। फर्नीचर मार्केट में आया था, कुछ काम था मुझे अभी यहाँ पर, तो काम से रिलेटेड मीटिंग थी कोई, तो उसके लिए आया था। अब यहाँ से निकल गया हूँ मैं ऑफिस के लिए, और ऑफिस पहुँचना है मुझे थोड़ा जल्दी, क्योंकि ऑफिस में कोई क्लाइंट आए हुए हैं मेरे, तो इसलिए मेरे को वहाँ भी टाइम से पहुँचना है, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे टाइम लग गया। और लंच मैं करूँगा बाद में, पहले जो क्लाइंट आए उनसे मिलूँगा, उनको फ्री करूँगा, उनसे फ्री होने के बाद फिर जाऊँगा लंच करने। ये देखो थाट, पुरानी थाट, तो लंच करूँगा, लंच करके फिर दोबारा देखते हैं कहाँ निकलना है, क्या क्या काम है, पहुँचने का थोड़ा चलेगा वो। तो फिलहाल चलता हूँ, थोड़ा जल्दी मिलूँगा, तो मैं सेफ ब्लॉगिंग करूँगा बाद में, पहले पहुँचता हूँ ऑफिस। तो उन्होंने मेरे फ़ोन पीछे लिया था और वो शॉर्ट्स लिया कुछ, तो मैंने सोचा शॉर्ट्स भी डाल दिए जाए, और मैंने वॉइस बाद में डाली है, शॉर्ट्स देखने वाले मुझे तो पता नहीं था, पीछे वो शूट कर रहे हैं मेरे फ़ोन से, तो बहुत अच्छे लगे, आप भी देखो। भाइयों मैं किसी काम से आया था और जाते मैंने शूट नहीं किया, और अब वापसी में जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ घर, अब घर ही जाऊँगा, ऑफिस तो अब टाइम हो चुका ऑफिस का, तो और अब घर जाऊँगा, घर जाके करूँगा रेस्ट। रेस्ट क्या करना है, पहले तो मैं जाऊँगा मंदिर, आज सैटरडे है, मंदिर गया नहीं मैं अभी तक, टाइम हो गया थोड़ा सा, लेट हो गया हूँ। और मंदिर के बाद अपनी इवनिंग टी रह गई है, वो चाय भी नहीं है, चाय नहीं पी इवनिंग वाली हमने, रॉन्ग साइड बहुत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, वो सही आ रहे हैं, ऐसी फील आ रही है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे इतने सारे आ रहे हैं, तो लगता है मैं ही गलत जा रहा हूँ। तो अब चाय पीऊँगा मंदिर से आने के बाद, चाय पी के रेस्ट करूँगा थोड़ा, क्योंकि आज आउटिंग हो गई है, बहुत काम वाम जो भी था बाहर का कर लिया है, और देखता हूँ, और क्या पता कहीं जाना पड़ जाए, वैसे जाना पड़ेगा नहीं, चांस कम है, फिर भी 1% जाना पड़ेगा तो ठीक है चले जाऊँगा, अदरवाइज रेस्ट करूँगा घर पर, और फिर नाइट में डिनर करके ब्लॉग को एडिट करेंगे। तो भाई आज का दिन बढ़िया गया, जो मेरे पेंडिंग काम हो रहे थे, एक दो पेंडिंग थे काम, वो काम भी हो गए, बाहर जो भी जाना था वो भी हो गया, मौसम भी बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया रहा आज। ओ शिट, खट्टे ही खट्टे हैं इधर तो बहुत। इनको लेफ्ट मोड़ना है, रिक्शे पीछे लगा रहे, आगे लेके लेफ्ट आराम से लेते, पूरी जगह खाली पड़ी है यहाँ, रिक्शे वालों का चलता है थोड़ा सा, देखो रिक्शे रिक्शे, देखो भाई साहब आ रहे पीछे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, ताकि और आपको वीडियो दिखे सारी, मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेट होऊंगा अभी। यहाँ पानी हमेशा मिलता है, छींटे आते हैं पानी की, तो मेरे को धीरे चलानी पड़ती है, यहाँ आके धीरे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पानी आता है अपने ऊपर ही, अपने ऊपर आए किसी और के ऊपर भी जाए तो अच्छा ही लगता, तो स्लो करके चलता हूँ, ताकि पानी ना मेरे ऊपर आए ना किसी और के ऊपर जाए। अभी रिव्यू की कल का कुछ ऐसा प्लान है नहीं जाता है, क्योंकि जिससे बात करते वो कह रहे कल बिजी है,
तो कल मुश्किल है कोई रिव्यू बनाऊंगा मैं, तो कल उठूंगा थोड़ा लेट, बाकी पता नहीं नींद खुल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। संडे है तो सोच रहा हूँ थोड़ा आराम से उठूँ, रेड लाइट रेड है अभी, हो जाएगी ग्रीन कोई नहीं, 15 सेकेंड की बात है, 15-16 सेकेंड की बात है। अंकल गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद कर दी अंकल यहाँ से, पता नहीं कोई बात नहीं, अंकल भगा रहे हैं बहुत, सोच रहे हैं मैं तेज चलाएँ, कोई बात नहीं अंकल आप तेज चलाओ हम धीरे चलाएँगे, ग्रीन हो गई है चलते हैं। बाइक मेरी चल चुकी है टोटल 21,648, 21,648, अभी हो जाएगी 50 तो अभी कंप्लीट हो ही जाएंगे इसके, 2 किलोमीटर तो है ही, 1 किलोमीटर तो हो ही गया, 1 किलोमीटर हो जाए 50 से ऊपर ही हो जाएगी, देखते हैं कितनी होती है। हवा चल रही है बढ़िया मस्त हवा, आगे जाम दिख रहा है, थोड़ा सा जाम होता है यार, कनेक्टेड है थोड़ा सा ये यहाँ पर, इसकी वजह से जाम होता है बस, वैसे कोई जाम नहीं है, अच्छा गाड़ियाँ खड़ी हैं इस जाम है, कोई बात नहीं बढ़िया है, थोड़ा जाम लगाओ अच्छी बात है, अरे शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो जाम लगवाना ज़रूरी है, कि हम शादी में जा रहे हैं, हम गाड़ी में जाएंगे। भाइयों कल है संडे, कल का अभी कुछ प्लान है नहीं, कहाँ जाऊँ ये देखो हीरो को हमारे, अभी कल का कुछ प्लान है नहीं, देखते हैं क्या रहता है, अभी नाइट में कुछ फाइनल होता है कहीं जाने का कुछ या नहीं। एक्चुअली मैं कल मेरी सिस्टर आएंगी घर पर, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगा या ब्रदर जाएंगे, दोनों से एक जना जाएगा उनको लेने, देखते हैं वहाँ निकलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, भाई जाएंगे तो फिर मेरा जाने का नहीं है, और भाई नहीं जाएंगे मुझे जाना होगा, तो फिर तो आप लोगों से बातचीत होएगी, पता लग ही जाएगा आपको, देखते हैं क्या फाइनल होता है। सीधे जाने में जाम लगा हुआ, रॉन्ग साइड वाले ज़रूर आ जाते हैं, यहाँ सीधे जाने की जगह नहीं है, रॉन्ग साइड वालों को जगह चाहिए। पता नहीं ऑटो वाला भी कहाँ जाना चाह रहा है, रेड होने वाला था ऑरेंज से हम निकल गए हैं, उसको इधर जान दो, ये तेज चलाएगा वो, इसलिए बस उधर चला, हाँ उधर तो ऐसा जाता पता कितनी तेज चलाएंगे, कहाँ चल रहे हैं क्या पीछे, मर्सिडीज़ सी क्लास ले लो, ये कौन सा है सुपर, भाई रास्ता बहुत ही क्रॉस हो ही गया है, अब पहुँचूंगा घर, आपको बता दीजिए क्या शेड्यूल है, मंदिर जाने का मैं ब्लॉग बनाऊंगा नहीं, क्योंकि जल्दी से मंदिर जाना, मंदिर बंद होने का चांस है पूरा पूरा, टाइम हो गया लेट थोड़ा, तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ घर, घर पहुँच के चलेंगे मंदिर, मंदिर पर आते हैं फिर बातचीत करता हूँ आपको, बताता हूँ जो भी शेड्यूल होता है, अगर कल का कुछ फाइनल होता है तो नहीं तो जैसा होगा फिर मैं बताता हूँ। भाई वहाँ से आने के बाद मैं चला गया था मंदिर, और मंदिर जाने के बाद मंदिर से आ गया हूँ मैं, एक्चुअली मंदिर में चाय पीने के बाद गया मैं घर, आया तो चाय बन रही थी तो फिर चाय पी के चला गया मैं, इवनिंग की टी पी ली और चाय पी के मंदिर गया, मंदिर में दर्शन करे, मंदिर में दर्शन करके अभी अभी आया हूँ, बस बाइक अंदर पार्क करी है, और कल है संडे, कल का भी कुछ प्लान नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, देखते हैं जैसे भी प्लान होगा मॉर्निंग में बनेगा, अभी कुछ मेरा फाइनल नहीं हुआ कैसे जाना कब जाना कहाँ जाना है, तो अभी फिलहाल तो कल उठेंगे आराम से थोड़ा रेस्ट करके, नींद पूरी करेंगे थोड़ी सी तब उठूँगा, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, फिलहाल तो रेस्ट करो, तो फिलहाल मैं चलता हूँ डिनर करूँगा, और डिनर करके करूँगा रेस्ट, और ब्लॉग को करना है एडिट, एडिट कर मॉर्निंग अपलोड हो ही नहीं, वो आपको पता ही कब आता है ब्लॉग, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो चैनल को, और कल मिलते हैं नई बातों के साथ नई चीज़ों के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय।